बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बैलेंस ऑफ पावर वैरी करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। अगर कोई रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो उसे स्टेट के लोगों को ध्यान में रखकर बनाना होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई रूल यूपी में लागू है तो वो सेम रूल मतलब कहीं और स्टेट, जैसे सपोज अरुणाचल प्रदेश में भी वही सेम रूल अप्लाई कर दिया जाए, तो ज़रूरी है क्या कि परमिशन ली जाए स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से जानती है कि वहाँ के लोगों के लिए बेस्ट क्या है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके घर के लिए कोई रूल बनाना है तो आपकी फैमिली बहुत अच्छे से बना सकती है, लेकिन अगर यही सेम रूल आपके घर के पास के जैसे सपोज पड़ोसी बनाएंगे तो वो उतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे। अब देखेंगे फेडरल सिस्टम दो तरह के फॉर्म करते हैं, कमिंग टुगेदर। बहुत सारे स्टेट जो पहले अलग अलग रूल कर रहे थे अब वो एक साथ आए और यूनाइट होकर कंट्री फॉर्म करते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर, इसमें एक लार्ज कंट्री थी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सही चले तो वो अपने पावर को स्टेट में डिवाइड कर देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इंडिया है, स्पेन है,